Asus VivoBook Ultra 14 Core i5 10th Generation वाला लैपटॉप है ये Asus VivoBook Ultra 14। यहाँ पे आपको जो है इसमें i5 का 10th Generation वाला Intel की तरफ से प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड इसमें आप जो है मल्टीटास्किंग एंड जो प्रोसेसिंग वगैरह आप करते हैं डेली डे टू डे लाइफ में एकदम इजी से कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा। एंड यहाँ पे ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, इसमें आपको क्या स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स एंड इसकी प्राइस क्या है सभी चीज़ें इसी वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Asus VivoBook Ultra 14 Core i5 10th Generation वाला ये जो लैपटॉप है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो है इसके साथ आपको बॉक्स में मिलता क्या है। तो लैपटॉप के साथ आपको पावर अडैप्टर, यूजर गाइड, वारंटी डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको लैपटॉप बैग तो नहीं मिलेगा। मॉडल नंबर इसका मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल में मेंशन कर दूंगा। सीरीज जो है इस लैपटॉप का वो VivoBook Ultra 14 के नाम से है एंड जो कलर आता है वो बेस्पोक ब्लैक है, यानी आप इसे ब्लैक ही कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा सा ग्रे भी जो है ये दिखता है। थिन एंड लाइट लैपटॉप है ये, प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग इसमें जो है इजीली कर पाएंगे आप, जो भी डेली टास्क होते हैं, ऑफिस का काम हो या फिर एडिटिंग वगैरह हो, सभी चीज़ें जो है इसमें अच्छे तरीके से चल जाएंगी। 45 वॉट का एसी अडैप्टर मिलेगा पावर सप्लाई के लिए एंड जो बैटरी के सेल्स है वो टोटल 3 है। यहाँ पे इस लैपटॉप में अच्छी बात ये है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोवाइडेड देखने को मिलता है, इसमें जो है आपसे आपको एक्सटर्नली खरीद के इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको ऑलरेडी इसमें प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा। तो वो जो है आप अपने ऑफिस के काम एकदम इजीली इसमें कर सकते हैं बिना किसी जो है आपको एक्सटर्नल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो है परचेस किए बिना। प्रोसेसर एंड मेमोरी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें वो इंटेल कोर i5 है, 10th जनरेशन का प्रोसेसर है जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा एंड इसमें आपको SSD जो है 1 TB की मिलती है, HDD नहीं है, SSD मिलता है। तो आपको जो है परफॉर्मेंस और भी अच्छी मिलेगी क्योंकि HDD से कंपेयर करें तो SSD काफ़ी फास्ट होती है। रैम जो है 8 GB की मिलती है जो कि एक DDR4 रैम है एंड ये जो प्रोसेसर वेरियंट है वो 1035G1 है, 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है आपको, उसके साथ जो है 8 GB की रैम मिल जाती है जो कि DDR4 है। यहाँ पे 1 GHz का जो है क्लॉक स्पीड मिलेगा टर्बो बूस्ट के साथ, 3.6 GHz का जो है यहाँ पे आप क्लॉक स्पीड देख सकते हैं एंड इसमें ग्राफिक प्रोसेसर जो है इंटेल का इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक प्रोसेसर मिलता है जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है, कोई एनवीडिया की तरफ से प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता है, इंटेल का ही जो इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज 10 होम इस जो है लैपटॉप में देखने को मिलता है। 64-bit का ऑपरेटिंग आर्किटेक्चर है इस लैपटॉप का, जो सिस्टम आर्किटेक्चर होता है वो 64-bit का देखने को मिलता है। पोर्ट एंड स्लॉट फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको माइक देखने को मिल जाता है इसमें, मल्टी कार्ड स्लॉट रीडर है, मतलब जो स्लॉट होता है उसमें आप जो माइक्रो एसडी कार्ड लगा के यहाँ पे रीड करा सकते हैं। HDMI पोर्ट एक मिलेगा आपको जो कि 1.4 साइज वाला है। USB पोर्ट्स की बात करें तो 2 USB 2.0, 1 USB 3.1 टाइप ए फर्स्ट जनरेशन वाला एंड 1 USB 3.1 टाइप सी फर्स्ट जनरेशन का जो है पोर्ट देखने को मिलता है। तो USB पोर्ट्स में आपको सभी पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, HDMI में एक पोर्ट देखने को मिलता है, माइक्रो SD कार्ड रीडर भी यहाँ पे अवेलेबल है। डिस्प्ले एंड ऑडियो फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे जो स्क्रीन साइज़ है इसकी वो 14 इंच की है, 1920x1080 पिक्सल्स की स्क्रीन रेजोल्यूशन है, यानी आपको फुल HD LED यहाँ पे स्क्रीन मिलती है जो कि एक बैकलिट एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले है। तो ये IPS डिस्प्ले होने की वजह से आपको जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं, कलर्स होते हैं, काफ़ी अच्छा दिखेंगे इस लैपटॉप पे, व्यूइंग एंगल भी अच्छे रहेंगे। तो डिस्प्ले में आप जो है नेटफ्लिक्स वगैरह भी जो है मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं तो वो भी अच्छा जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा आपको IPS डिस्प्ले होने की वजह से। एंड जो IPS डिस्प्ले है इसका ब्राइटनेस 220 निट्स का है, तो ब्राइटनेस भी आपको जो है अच्छी खासी मिलती है। 45% NTSC कलर गैमेट मिलता है, 84% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। साइड्स के बेजल जो है आपको थिन देखने को मिलेंगे, पतले हैं, पर जो ऊपर का बेजल है वो एवरेज साइज का आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे चिन आपको देखने को मिलती है जिसमें Asus VivoBook की ब्रांडिंग की गई है एंड आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन भी मिलता है, बिल्ट इन स्पीकर्स मिलते हैं एंड जो ऑडियो है वो आपको अच्छा मिलेगा इस लैपटॉप में क्योंकि हार्मन कार्डन के स्पीकर्स मिलते हैं, तो ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
आप जो इसमें ऑडियो अच्छी क्वालिटी की जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ब्लूटूथ मिलता है आपको Wi-Fi 5.0, वायरलेस लैन का भी ऑप्शन है। एंड जो लैपटॉप का वेट है वो 1.40 kg का है, यानी जो है आप 1.5 kg मान के चल सकते हैं इस लैपटॉप का वेट है। ज़्यादा हैवी के साइड नहीं है, ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको इसमें वेट देखने को नहीं मिलता है। थिन एंड लाइट लैपटॉप है, आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। 14 inch का है तो जो है ये कॉम्पैक्ट लैपटॉप के जैसा बन जाता है यहाँ पे। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको कोई डिस्क ड्राइव नहीं मिलती है। वेब कैमरा जो है वो 720p का HD वेब कैम मिलेगा, तो आपको जो है एवरेज क्वालिटी की यहाँ पे जो वेब कैमरा की क्वालिटी होती है वो देखने को मिल जाएगी। विथआउट प्राइवेसी शटर आता है। थोड़े लैपटॉप्स हैं आजकल के लैपटॉप्स में जो है आप देखेंगे प्राइवेसी शटर दिया होता है, पर इस लैपटॉप में आपको जो है प्राइवेसी शटर देखने को नहीं मिलता है। वो होता तो और भी अच्छा रहता, क्योंकि आप अपने कैमरे को जब यूज़ में नहीं होता है तो जो है शट कर सकते हैं उस प्राइवेसी शटर की वजह से। और वेब कैमरा तो 720p का आपको यहाँ पे HD वेब कैम देखने को मिल जाएगा। इस लैपटॉप में सिक्योरिटी के लिए आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने लैपटॉप को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। कीबोर्ड जो है वो चिकलेट बैकलिट कीबोर्ड है, यहाँ पे आपको एक बैकलिट कीबोर्ड मिलता है इस लैपटॉप में। एंड जो पॉइंटर डिवाइस है टचपैड, वो भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो बात करें इस लैपटॉप की प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो 61,990 rupees है। एंड इस प्राइस पॉइंट पे आपको जो है अच्छी फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है इस लैपटॉप में, Asus VivoBook Ultra 14 Core i5 10th Generation लैपटॉप। मुझे अपने ओपिनियंस इसके बारे में शेयर करते हुए कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।